दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। कहते हैं कि कुत्ते इंसान के सबसे वफादार दोस्त होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में कुत्ते पालना पसंद करते हैं। दुनिया में कुत्तों की अनेकों नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें से कई नस्लें बहुत ही खतरनाक होती हैं, इतनी खतरनाक कि वह पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। आज हम आपको कुत्तों की कुछ ऐसी ही खतरनाक नस्लों के बारे में बताएंगे जो खतरा महसूस होने पर पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। इनमें से कई कुत्तों को पालने पर बैन भी लग चुका है। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनके आक्रामक विस्फोट को रोकने के लिए व्यापक और उचित परीक्षण की जरूरत होती है। साल 2014 में सिर्फ अमेरिका में पिटबुल के हमले से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। रॉटवेलर प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही तेजी से किसी को काटने में माहिर होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कुत्ते 1460 न्यूटन यानी 148 किलो के दबाव से किसी को काटते हैं। साल 2014 में अमेरिका में इनके काटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं साल 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में इन कुत्तों के कारण कई मौतें हुई हैं, जिनमें आधे से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार इन्हीं कुत्तों को ठहराया गया था। डॉबरमैन पिंस्टर प्रजाति के कुत्ते ज्यादातर पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन आम लोग भी इन्हें घरों में पालने लगे हैं। ये खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही ये शांत हो जाता है। साल 2011 में इसके काटने से एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद इसके काटने से जुड़ी कोई खबर नहीं आई। बुल मास्टिफ प्रजाति का ये कुत्ता आक्रामक स्वभाव का होता है, जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। साल 2014 में अमेरिका के न्यूजर्सी में इसके काटने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं टेक्सास में भी इसके अटैक से एक बच्चे की मौत हो गई थी। हस्की प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहियों की गाड़ी को बर्फीले मैदानों में खींचने में माहिर होते हैं। ये जब आक्रामक मूड में होते हैं तब किसी की भी जान ले सकते हैं। इनके काटने से किसी की भी जान जा सकती है। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मैलाम्यूट प्रजाति के कुत्ते ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आकार में भेड़ियों जैसा दिखने वाले मैलाम्यूट का वजन 34 से 49 किलो के बीच होता है। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ ही एनर्जी और आक्रामकता से भरे होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टडी के अनुसार 1966 से 1980 के बीच इस कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भेड़ियों के वंशज हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में भी कुत्तों की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो भेड़िया और कुत्तों के संकरण से बनी है। कुत्तों की एक ऐसी ही प्रजाति का नाम वोल्फ हाइब्रिड है। अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं। आंकड़ों की माने
तो साल 1979 से 1998 के बीच इन कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बॉक्सर प्रजाति को शिकारी कुत्तों का वंशज कहा जाता है। ये अपने मजबूत जबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये कुत्ते सुरक्षात्मक नस्ल के होते हैं। सुरक्षा की भावना के इच्छुक परिवारों के लिए ये कुत्ते सबसे बेहतर विकल्प हैं। इनकी पहचान अड़ियल कुत्तों के रूप में भी है। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इस कारण से इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।